पूर्व सीजीआई को लेकर खबर, मानहानि का मुकदमा दायर, जानिए क्या है पूरा मामला। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उन पर 1 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। बता दें कि रंजन गोगोई को कई फैसलों के लिए जाना जाता है। अब सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। इसमें दावा है कि एनआरसी के मामले में कुछ आपत्तिजनक बातें भी कही हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अपने फैसलों की वजह से खूब सुर्खियों में रहे थे, पर अब उनको लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। ये जो मामला दायर किया है उसके अनुसार उनकी आत्मकथा में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी के मामले में कुछ गलत बातें भी कही हैं। बताया जा रहा है कि अभिजीत शर्मा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिकाकर्ता अभिजीत शर्मा ने कामरूप, मेट्रो जिले और गुवाहाटी में सिविल जज कोर्ट में गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ ही पूर्व सीजीआई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज पर भी प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई है। बता दें कि एनजीओ असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष शर्मा राज्य में एनआरसी से संबंधित विभिन्न मामलों में मुखर होकर बोलते आए हैं, जो पहले से ही इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आते रहे हैं। अब इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अभिजीत शर्मा ने पहले असम में 1951 के एनआरसी के अद्यतन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, और इसके साथ ही मामले के लंबित रहने के दौरान हाई कोर्ट की निगरानी में साल 2015 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शर्मा ने कोर्ट में अपनी याचिका में बताया है कि रिटायर्ड होने के बाद पूर्व सीजीआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में ट्रांसफर करने के मामले में कुछ बातें लिखी, जो बातें गलत हैं। उन्होंने इसको मानहानिकारक प्रकृति ही बताया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होनी है। जाहिर है कि रंजन गोगोई की आत्मकथा के बारे में बताए तो गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसले के बाद हुई पार्टी का भी जिक्र किया है। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है कि इस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद मैं उस बेंच के अन्य जजों को डिनर के लिए होटल ताज मानसिंह लेकर गया था। बता दें कि रंजन गोगोई पहले भी कई विवादों में रहे हैं, और अब देखना है कि इस मामले की अगली सुनवाई में क्या होता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।